समापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः श्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। हिंदू राष्ट्र के संबंध में एक प्रकल्प तैयार किया गया है, 24 घंटे में जिस परिवार को जब समय मिले आध घंटे तक आराधना उपासना का क्रम बन सके तो 40 दिनों तक चलावें, 7 बार नित्य परिवार के सदस्य दूरी बनाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लगभग 15 मिनटों तक या 10 मिनटों तक। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप, इसका गान करें, इससे वातावरण हिंदू राष्ट्र के अनुकूल बनेगा। हमारी भावना यह है कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रथम चरण में हिंदू महाद्वीप उद्भासित हो, उसमें भारत नेपाल भूटान आदि देश स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित हों। एक महान भाव ने अपना भाव व्यक्त किया था कि कम से कम 25 विश्व में ऐसे देश हैं
जो उत्सुक हैं, भारत यदि उत्सुकता का परिचय दे, अपने दायित्व का निर्वाह करे, तो स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो गोष्ठी का क्रम चला विश्व स्तर पर, उससे भारतीयों को एक सोचने के लिए विचार मिला, बाध्य भी होना पड़ा कि अन्य देशों में जो हिंदू रहते हैं वो भारत के हिंदुओं की अपेक्षा अधिक जागरूक हैं। साथ ही साथ भारत की परतंत्रता के दिनों में या उससे पूर्व भी जिनके पूर्वज भारत से बाहर गए, उन्होंने बहुत प्रयास पूर्वक हिंदुत्व को अपने जीवन में, परिवार में, क्षेत्र में उज्जीवित रखने का पूर्ण प्रयास किया। भारत एक ऐसा देश विकास के नाम पर अपने आप को विविध षड्यंत्र पूर्व प्रकल्पों में ढालना प्रारंभ किया। भारत को लेकर सर्वत्र चिंता है कि यहाँ हिंदुत्व की छवि धूमिल है और हिंदुत्व को न समझने के कारण दमन नीति का अनुगमन करके शासन तंत्र दिशाहीनता का परिचय दे रहा है। विश्व की जागरूकता को देखते हुए हम आगे बढ़ें। मेरी जानकारी में छोटे बड़े 204 देश हैं विश्व में, और 150 देशों में हिंदू अपने अस्तित्व को, आदर्श को बनाए हुए हैं। 25 देश कम से कम हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने आप को उद्भासित करने के लिए उद्यत हैं। नारायण, अब कथा का क्रम। भारत भूषण जी भी बोले, नारायण। श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 6 श्लोक 12। पुत्रान् स्मरंस्ता दुहित्रीर्हृदया भ्रातृन् स्वश्रीर्वा पितरौ च दीनौ गृहात्मनोज्ञोरुपच्छदांश्च वृत्तिंश कुल्याः पशुभृत्य वर्गान् त्यजेत कोशस्कृदि वेहमानम् कर्माणि लोभादवितृप्तकामः औपस्थ्य जह्व्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरंतमोहः। नारायण, सबका भला हो। भक्त प्रवर प्रहलाद आयु की दृष्टि से 5-6 वर्ष के परिलक्षित होते हैं, अनुभव की दृष्टि से वे लगता है कि ब्रह्मा जी ही मानव प्रहलाद के रूप में विविध तथ्यों को उद्भासित कर रहे हैं। ज्ञान में वृद्ध, वय में बाल प्रहलाद जी ने अपने सहपाठियों को, मित्रों को जो प्रबोधित किया, उसी का निरूपण यहाँ कथा के माध्यम से चल रहा है। देहाशक्ति अनादिकाल से अकृतार्थ जीवों को प्राप्त है, और देह में आसक्ति अहमता ममता दोनों रूपों में स्फुरित होती है। साथ ही साथ जननी जनक बंध सुत द्वारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, इस दृष्टि से विचार करें तो ममता फैलती जाती है, और सगे संबंधियों में भी व्यक्ति चिपक जाता है। यहाँ तक कि जड़ वस्तु, धन भवन इत्यादि में व्यक्ति समासक्त हो जाता है। यह जो अहमता ममता की गाथा है, यही जीवों के बंधन में मुख्य रूप से हेतु है। बहुत बढ़िया प्रहलाद जी ने भाव व्यक्त किया, जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों
इधर पुत्रों भाई बहनों दीन अवस्था को प्राप्त माता पिता और विविध सामग्रियों से सुसज्जित सुसज्जित भवन, कुल परंपरागत जो जीविका के साधन है उनमें, आजकल पशु की बात तो नहीं है लेकिन कार इत्यादि में, सेवकों में निरंतर समा सकते हैं। मेरा तेरा इस भाव की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर पाते, वस्तुतः बंधन के हेतुओं में चिपके रहते हैं। पंचदशीकार ने इस तथ्य को अद्भुत ढंग से उद्भासित किया, ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। ईश सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है, ईश्वर के द्वारा विरचित जो द्वैत प्रपंच है, जीवों के बंधन में हेतु नहीं है। जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच ही जीवों के बंधन में हेतु है। इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत अच्छा उदाहरण विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने प्रस्तुत किया। यह जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, भले ही हमारे शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप हमें यह शरीर प्राप्त हुआ हो, लेकिन भगवान के संकल्प से ही हमको यह शरीर प्राप्त हुआ है। माता पिता का अनुग्रह इसमें अवान्तर हेतु है। ईश सृष्ट जो हमारा शरीर है, उसमें जब हम अपनी ओर से अहमता ममता प्रस्थापित कर लेते हैं तो वह हमारे बंधन में हेतु होता है। भगवान ने जो सृष्टि की संरचना की है उसका अभिप्राय तो मुक्ति है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजात प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने महासर के प्रारंभ में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की, अनुग्रह पूर्वक जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। इसका अभिप्राय यह है कि जीव भोग और अपवर्ग दोनों प्राप्त कर सकें। भोग का अर्थ है सुखद जीविका प्राप्त कर सकें, जीविका का सेवन करके स्वस्थ जीवन भगवत प्राप्ति के लिए प्रयुक्त और विनियुक्त कर सकें। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीविका की उपेक्षा जीव न करें, लेकिन मनुष्य विशेषकर ध्यान रखें कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तो ईश्वर सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणी, ये सब के सब ईश सृष्ट द्वैत प्रपंच मान्य हैं। इनमें अहमता ममता जो हम स्थापित कर लेते हैं, यही जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच हमारे बंधन में हेतु होता है। मम तब मेरा तेरा, अहम मम, मैं तू, मैं और तोर, मैं और मोर तोड़ते माया, तुलसीदास जी ने बताया। या जो विभाजक रेखा प्रस्तुत कर लेते हैं व्यवहार संपादन के लिए तो ठीक है, लेकिन हृदय से अहमता ममता इनमें कर लेते हैं तो अहमता ममता हमारे बंधन में हेतु है। एक विचित्र बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र महाभाग ने हमको बताया कि समष्टि अहमिति व्यक्ति को ईश्वर कल्प बना देती है। समष्टि अहमिति, ममता भी जोड़ सकते हैं, समष्टि के साथ अहमता ममता को जोड़ दें तो हम विश्व वैश्वानर हो जाएं, तेजस हिरण्यगर्भ हो जाएं, प्राज्ञ ईश्वर हो जाएं। परिच्छिन्न जो अहमता ममता है वो निबंधक है, इसीलिए हम अपनी अहमता ममता का विषय
जितना विस्तृत करते जाएंगे उतने जीवन में उत्कर्ष होगा। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। गृह मंत्री एक शब्द है जिससे आप परिचित हैं। गृह शब्द तो ज्यों के त्यों रहता है। पहला है संयुक्त परिवार में जो गृहिणी देवियां होती थीं उनके पास गृह मंत्रालय होता था, वो गृह मंत्री होती थीं, घर का संचालन करती थीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रांत का गृह मंत्री होता है, शब्द तो वही रहता है पर गृह का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, पूरा प्रांत। कौन गृह मंत्री प्रांत का अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह नहीं कर पाता, जिसे पद तो मिल गया पूरे प्रांत के गृह मंत्री का, लेकिन मान्यता वही है कि हमारा घर ही घर है। एक मुख्यमंत्री की पत्नी छत्तीसगढ़ में मेरे पास आई, बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा, महाराज आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे कुशल रहें। हमने समझा कि ये तो बंटा ढार करेगी, अपने पति को भी चपेट में डालेगी। बात सच्ची यही हुई, घर भरने में उस मुख्यमंत्री ने जो भी रहा हो अपना उपयोग किया। एक जिलापाल मेरे पास आए छत्तीसगढ़ में, उन्होंने कहा, महाराज मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि जिस जिला का मैं पदाधिकारी हूँ उस जिला के उत्कर्ष में मेरे जीवन का उपयोग हो सके। जहाँ जहाँ मैं इस पद पर प्रतिष्ठित हूँ वहाँ वहाँ मैं अपने दायित्व का निर्वाह करने में सफल हो सकूँ। मैंने सोचा कि यह व्यक्ति ईमानदार है, यह घर भरने के लिए, 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अपने पद का उपयोग नहीं करेगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति प्रांत का गृह मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन गृह शब्द का अर्थ है उसके जीवन में वही घर के सदस्य बने रह गए, अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेगा। कोई ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, आजकल भी हैं ही, पूरे देश का गृह मंत्री बना दिए गए, तो अब गृह का क्षेत्रफल कितना बड़ा हो गया, पूरा देश। अब ऐसी कल्पना कीजिए कि पूरा भूमंडल सप्तद्वीपा मेदिनी पर एक क्षत्र सम्राट कोई हो, शासक हो अम्बरीश की तरह, और उसके शासनकाल में कोई गृह मंत्री बने, तो गृह का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, पूरा भूमंडल। अब कल्पना कीजिए चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, उसके राजाधिराज ब्रह्मा जी, उनके शासनकाल में, आज भी ब्रह्मा जी का शासन है ही, कोई गृह मंत्री बना दिया गया, तो गृह शब्द का अर्थ क्या हो गया, शब्द तो वही है गृह, लेकिन चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड। इसी से हमने एक संकेत किया कि समष्टि की ओर हमारी अहमिति ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे जीवन में क्या होता है, संकीर्णता शांत होती जाती है, हमारा जीवन उत्कृष्ट हो जाता है। इसलिए मनोगत जो दरिद्रता है, संकीर्णता है, वही जीव धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। मैंने कई बार उदाहरण दिया, एक साल में 2-3 बार वर्ष उदाहरण, इस साल एक वर्ष की सीमा में 2-3 बार कहा होगा कि माता है कोई जगत जननी, कही तो अंश है मातृशक्ति, लेकिन अपने बेटे बेटी के प्रति जो उसका वात्सल्य है वह कहीं पूरे विश्व में जितने लाला हैं लाली हैं सबके प्रति उसका वात्सल्य विकसित हो जाए, फैल जाए, तो जगत जननी ना हो जाए। जननी तो है लेकिन जगत जननी क्यों नहीं है, क्योंकि संकीर्णता है, 2-4 बाल गोपाल हैं, 2-4 बालिकाएं हैं, लाला लाली तक सीमित है। उसकी ममता अगर राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो जाए, विश्व स्तर पर विकसित हो जाए, यहाँ तक कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में
जो भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वो मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री हैं, इस प्रकार की भावना का उदय हो जाए तो जगत जननी हो जाए। ऐसे जगत पिता की बात भी है, घर के दो चार बाल गोपाल क्यों अपने को पिता समय लेना, दो चार बेटियों का अपने को पिता समय लेना परिच्छिन्नता है। और चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं मेरे पुत्र हैं, जितनी अभिव्यक्तियां हैं सब मेरी पुत्री हैं, इस प्रकार का भाव हो जाए तो जगत पिता हो जाए। इसका अर्थ क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। एक एक इंद्रिय के एक एक अनुग्राहक देवता होते हैं, लेकिन वे देवता जिस शरीर में जो कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय है, एक एक कर्मेंद्रिय में या एक एक ज्ञानेंद्रिय में जब रागान्वित होते हैं तब परिच्छिन्न हो जाते हैं स्वरूपता भी होने पर भी। उदाहरण हम देते हैं, नेत्र हमारे पास है अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय, तो ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनके जीवन में जितने नेत्र इंद्रियां हैं सबके अनुग्राहक भगवान सूर्य हैं। एक जीवन के व्यष्टि एक इंद्रिय में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं, और समष्टि में जब तादात्म्यापत्ति होती है तो मृत्यु से अतिक्रांत हो जाते हैं। इस तथ्य का बृहदारण्यक उपनिषद में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। व्यष्टि जो अहमिति है बंधन में हेतु है, समष्टि अभिमिति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है, अधिदैव कोटि के हमको बना देती है। इसका मतलब एक विचित्र बात है, अपने जीवन में देखें विषय के भेद से करण में भेद होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय हैं, इनके भेद से एक एक इंद्रिय की प्राप्ति होती है। जैसे शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रोत्र इंद्रिय प्राप्त है, उसके देवता कौन है दिक्। विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से करणों के अनुग्राहक देवता में भेद, लेकिन जीव में अभेद रहता है। इस पर एकांत में विचार करना चाहिए तो जीवन में रिद्धि सिद्धियों की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन जीवत्व से अतिक्रांत होता जाएगा, अधिदैव कोटि के हो जाएंगे। जीवाधिष्ठित अधिदैव, फिर स्वयं श्रीमद्भगवद गीता के सातवें अध्याय के अनुसार एक जीववाद परा प्रकृति कोटि कम हो जाएंगे और बाद में साक्षात परमात्मा स्वरूप में हमारी अभिमति क्या होगी, संलग्न हो जाएगी। तो हमने कहा विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से करणानुग्राहक देवता में भेद, लेकिन ऐसा होने पर भी अपने जीवन में जीव में भेद नहीं है। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 14 करण के देवता भी 14 हो गए, एक एक करण के देवता एक एक, लेकिन हम तो स्वयं को 14 नहीं मानते ना, एक ही मानते ना। अब इस ज्ञान का अगर एकांत में बैठ करके विस्तार करें, विस्तृत रूप दें, तो चलते फिरते हम क्या हो जाएं? चलते फिरते विराट हिरण्यगर्भ सर्वेश्वर कोटि के हो जाएं। इस मनुष्य शरीर में रह करके भी हम परमात्म तत्व से तादात्म्यपन्न होकर सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो जाएं। फिर से सुनिए, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय के भेद से शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इनके अभिव्यंजक संस्थान का नाम विषय मान लीजिए, करण में भेद है करण, करण के भेद से
एक एक करण के अनुग्राहक देवता में भेद है। जैसे वाक है उसके देवता अग्नि हैं, नेत्र है तो उसके देवता कौन है, सूर्य हैं। इस प्रकार से विषय के भेद से इंद्रियों में भेद, करणों में भेद, करणों के भेद से अधिदैव में भेद, अनुग्राहक देवताओं में भेद। लेकिन अनुग्राहक देवताओं में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं है। क्यों नहीं है? जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप इंद्रादि देवता भावापन्न होता है, देव भावापन्न, देव योनि को भी जीव ही पाटता है ना। हमको आपको स्मरण नहीं है, लेकिन कभी हम इंद्र भी रहे होंगे, कभी वरुण भी रहे होंगे, कभी कुबेर भी रहे होंगे। कैवल्य मोक्ष अगर हमने प्राप्त कर लिया होता तो हमारा जन्म ही क्यों होता? भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का छांदोग उपनिषद में एक भाव है जिसको मैं हिंदी में व्यक्त कर रहा हूँ कि कर्म बहुत विचित्र होता है। कर्म विपाक माने कर्म फल, सुभग दुर्भग हो जाता है, दुर्भग सुभग हो जाता है। सुभग को दुर्भग बनाने वाला, दुर्भग को सुभग बनाने वाला कर्म है। जब हम देवता थे कभी तब क्या करते थे? वरदान दाता थे, और जब भिखारी हो गए कर्म के चपेट में आकर तो बहुत बढ़िया। आज हमको एक स्मरण आया, एकादशी तो कल थी लेकिन मैं वृंदावन में रहता था, पुजुरियाबा जी के आश्रम में मातृमंडल में कोई विधवा माता रहती थी। वो एकादशी के दिन दो चार फल लेके मेरे पास पहुंच गई। उनमें से मैंने एक फल उसके देना चाहा, उसने कहा मैं वैसे हूँ, ऐसे जानती हूँ ऐसे नहीं जानती। तो हमने कहा ये ले जा, भविष्य में ऊपर कभी चढ़ के आना मत। बताओ, मैं यूँ करना जानती हूँ, वैसे हूँ, यूँ करना नहीं जानती, तो तुमने हमको भिखमंगा मांग के दिया ना, पर मुझे नहीं चाहिए। इंद्र भी अगर भिखमंगा मांग के हम मान के कुछ देंगे, वो उनकी भी दी हुई वस्तु नहीं चाहिए। इधर मत आना कभी, हमारे यहाँ से भी लोग नहीं आते थे। एकादशी के दिन फल लाई, उसी के द्वारा लाए हुए फल में एक फल जब देना चाहा तो कहा तुम्हें मालूम है आयु में बहुत बड़ी थी, बेटे के समान मानती होगी मन में जो भी भाव है, तुम्हें मालूम है। हमने क्या, मैं वैसे हूँ, यूँ करना जानती यूँ नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा तुमने ब्राह्मणों को समझा कि यूँ करने वाले, ले जा। बताओ जीव की स्थिति है। तो कर्म क्या करता है? भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि सुभग को दुर्भग बना देता है, दुर्भग को सुभग बना देता है। दिव्य दृष्टि हमारे पास नहीं है, लेकिन शास्त्र के प्रति आस्था तो है ना। तो यहाँ जितने किस कक्ष में हैं, 10-15 व्यक्ति बैठे हैं सुनते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जो अनादिकाल से अब तक देवता न रहे हों। देवता थे तब क्या थे जी? वरदान देने वाले सुभग, और बाद में भिखमंगे भी हो गए, कीट भी हो गए, बहुत विचित्र बात। इसलिए ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ है कि सर्वथा निष्पाप सूर्य को कहा गया है। सूर्यमंडल, सूर्यमंडलांतर्गत पुरुष के बारे में ब्रह्मसूत्र में विचार है उपनिषद के वचन के आधार पर, कि यहाँ ईश्वर का वर्णन है। सवितृमंडल मध्यगत ईश्वर का वर्णन है या अधिदैव का वर्णन है। तब उस शास्त्रार्थ का फल क्या है, निष्कर्ष क्या है? पूर्ण निष्पाप केवल भगवान होते हैं। बहुत गंभीर बात। आज जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, जब तक कर्म और उपासना के फलस्वरूप वे सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित रहेंगे, तब तक पाप का उदय नहीं होगा। अन्य उपासक उनकी उपासना के प्रभाव से पाप से
पिंड छुड़ाने में समर्थ होंगे, लेकिन सूर्य भी सर्वथा निष्पाप नहीं है, क्योंकि संचित कर्म जो है वो जब फलीभूत होगा, उसमें जो पापांश फलीभूत होगा, आज जो सूर्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कल कुछ और भी हो सकते हैं, अगर उन्होंने तत्वज्ञान प्राप्त कर अपने को कैवल्य मुक्ति तक नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब कोई भी जीव है तो सर्वथा निष्पाप नहीं है। देवता के पद पर प्रतिष्ठित जीव कर्मोपासना के फलस्वरूप जब तक उस देव पद पर प्रतिष्ठित रहेगा, पाप उछल कर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन उसके जीवन में भी पाप हैं। वे पाप जब फल देने के लिए प्रवृत्त होंगे तब वह खोटा से खोटा काम भी कर सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या यही हुआ ना कि जीव ही तो अधिदैव होता है, इंद्रादि पदों को भी जीव ही प्राप्त करता है कर्म उपासना के फलस्वरूप। इस प्रकार जैसे अपने जीवन में अधिभूत के भेद से अध्यात्म में भेद की प्राप्ति नहीं है, विषय के भेद से जीव में विषय के भेद से करण में भेद की प्राप्ति नहीं है, करण के भेद से अधिदैव में भेद की प्राप्ति नहीं है, अधिदैव के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं है, इसी प्रकार अगर यह धारणा समष्टि दृष्टि से हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए तो एक जीव की सिद्धि हो जाए। एक जीववाद श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के आधार पर हम परा प्रकृति हो जाएं, इसका मतलब कितनी ऊंची स्थिति हो जाएगी। अधिभूत के भेद से अध्यात्म में भेद, अध्यात्म के भेद से अधिदैव में भेद, तथापि अधिदैव के भेद से जीव में भेद एक जीवन में जैसे संभव नहीं है व्यष्टि जीवन में, वैसे ही समष्टि अधिभूत, समष्टि अध्यात्म, समष्टि अधिदैव, इन सब से जो अतिक्रांत है, इन सब को उद्भाषित करने में अपनी उपस्थिति से विद्यमानता से समर्थ है वह जीव में हूँ। इतना विशाल अहमर्थ का उदय हो तो हम सिद्धों के सिद्ध हो जाएं। इसका अर्थ क्या हुआ? संकीर्ण मान्यता बंधन में हेतु है। यही कह पत्नी पुत्र सगे संबंधी गिने चुने, आजकल तो वो भी बहुत विकट है, संयुक्त परिवार का विलोप होने के कारण अहमता ममता का क्षेत्रफल और संकुचित हो गया। संयुक्त परिवार, और पहले क्या क्या नाना नानी ये सब, अब तो बस हम दो, हमारे दो, इससे क्या हुआ? जीवत्व और संकीर्ण घनीभूत हो गया। संयुक्त परिवार में कम से कम ममता ममता का क्षेत्र फैला होता था, इसीलिए हमने संकेत किया कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। अधिभूत माने विषय के भेद से अध्यात्म में भेद नहीं होता, विषय चेतित होते हैं, चेतक नहीं होते, प्रकाशित होते हैं, प्रकाशक नहीं होते, उनकी अपेक्षा चेतना शक्ति उद्दीप्त होती है। करण जो होता है, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय का नाम करण है, या जो करण उसमें चेतना अधिक होती है, करण की अपेक्षा अधिदैव में चेतना अधिक होती है। अधिदैव को हम आरोहक क्रम से प्रथम चेतन मानते हैं, यद्यपि अधिभूत को प्रकाशित करने की क्षमता अध्यात्म में है, रूप को प्रकाशित करने की क्षमता अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय में है, लेकिन हम सूर्य को चेतन मानते हैं, नेत्र को चेतन नहीं मानते। अर्थात बहुत एक प्रकार से शिथिल चेतना करण में है, उसकी अपेक्षा जो देवता हैं अनुग्राहक, उनमें उद्दीप्त चेतना है। देवताओं का भी उद्भाषण प्रकाशन जीव के द्वारा होता है, मेरे प्रवचन का दुरुपयोग ना हो, लोग ये ना समझें कि हम देवताओं से ऊपर हो गए जीव हैं, पूरा प्रवचन समझें तो ठीक ही है, अधिदैव से ऊपर होता है जीव,
विषय करण सुरजीव समेता सकल एकतेक से सचेता सबकर परम प्रकाशक जोही राम अनादि अवधपत सोई ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य आनंद गिरि टीका सहित एक अधिकरण का सार है यह। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा मूलतः शंकर भाष्य का मंथन करके ब्रह्मसूत्र के अधिकरण का यह भाव बताया है, लेकिन विचार करके देखें जब तक हमको इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप तत्त्व अधिदैव का पद या रूप धारण करता है, तब तक देवताओं को अपने से अवर न समझें। और जीव ही अधिदैव होता है तो अधिदैव के रूप में भी मैं ही हूँ। और फिर अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत ऐतरेय उपनिषद के आधार पर विचार करें तो अद्भुत तथ्य ख्यापित होता है। अग्निर्वाग भूतवा अधिदैव जो है वो अध्यात्म हो जाता है। अध्यात्म माने करण, इंद्रिय भी कह सकते हैं सामान्य रीति से, और अध्यात्म ही अधिभूत हो जाता है। तो विषय करण सुर देवता हो गए अध्यात्म, इसका मतलब देवता ही करण भी बन जाते हैं, करुणानुग्राहक के रूप में भी विद्यमान रहते हैं। और जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देवता हो जाता है, जीव बना रहे रहता है अपने स्वरूप से च्युत हुए बिना, जीव जीव रहता हुआ ही अधिदैव हो जाता है, अधिदैव अध्यात्म हो जाता है, अध्यात्म ही अधिभूत के रूप में उल्लसित होता है। इस पर ध्यान देंगे तो आज ही अगर यह भावना क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, तो अधिभूत रूप में, अध्यात्म रूप में, अधिदैव रूप में मैं ही उल्लसित हूँ। कितना विशाल, मैं यह संकेत क्यों करता हूँ, इस ढंग से भागवत की कथा कह रहा हूँ पूज्य गुरुदेव की कृपा से, गुरुओं की कृपा से, कि एक एक व्यक्ति सुनने के बाद गुने भी उसको जीवन में उतारने का प्रयास करे तो चलता फिरता क्या हो जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हो जाए, अपार शक्ति का उदय हो जाए। इसी का नाम शक्तिपात है। इसका अर्थ क्या हुआ, सुन लेते हैं पुण्यत्व प्राप्त होता है, और धन मान के लिए कथा कहते हैं तो धन तक सीमा है, विनियोग हो गया, नहीं तो सुनने से भी पुण्य होता है। और अगर सुनने के बाद उसको आत्मसात करें, मनन करें, आजकल मनन करने योग्य कोई प्रायः सामग्री नहीं दे पाते कथावाचक, अध्ययन का स्तर बहुत गिर गया है, इस ढंग से जो प्रवचन होता है मनन करें तो तदनुकूल जीवनी शक्ति क्या हो, उद्बुद्ध हो, तो एक एक व्यक्ति चलता फिरता आत्मभम हो जाए। मैंने संकेत किया, अहम की बात नहीं है। मान लीजिए 50 देवता आ गए, हम नमस्कार करेंगे, हम मनुष्य शरीर में हैं, मर्यादा तो मर्यादा है ना। भगवान नर नारायण ही अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण थे, लेकिन मनुष्य थे, मनुष्य रूप में अवतीर्ण थे, तो अग्नि ने भी कहा वर मांग लो, इंद्र ने भी कहा वर मांग लो। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते तू कौन होता है, मैं तो ब्रह्म हूँ, तुझे वर मांगना हो तो मांग ले, नहीं है नहीं। इंद्र भी जानते थे कि भगवान के अवतार है, लेकिन इंद्र कहे कृष्ण तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो, अग्नि ने कहा तुझे कुछ मांगना हो तो मांग लो, भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो वरदान देने वाले, मनुष्य हैं, मनुष्य रूप के में आए हैं तो देवता बड़े हो ही गए, इसलिए हमने संकेत किया। लेकिन एक तत्वज्ञ जहाँ इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संपन्न है तो देवराज इंद्र भी उसको आकर चुनौती दें तो देवराज इंद्र को पछाड़ करना पड़ेगा उस या उस तत्वज्ञ को। अगर देवराज इंद्र को तत्व ज्ञान नहीं है और तत्वज्ञ कोई मनुष्य शरीर में है तो वो समझेगा कि जितने अधिदैव हैं उनसे अतिक्रांत जीव है वो मैं हूँ, तो देवताओं से भी उत्कृष्ट स्थान हो गया किसका, एक तत्वज्ञ का। एक तत्वज्ञ का अगर सचमुच में है तो देवताओं की जितनी शक्ति है वो भी उसके पास है,
इसीलिए समर्थ से कभी भिड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, समर्थ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उल्टी पड़ जाती। तो हमने क्या संकेत किया, मर्यादा यथावत। भगवान श्री कृष्ण को पुत्र चाहिए था, ठीक है, तो तप किया। बेटे को एक रोग हो गया, सांब को मानो कुष्ठ हो गया, चर्म रोग हो गया, यूँ कहना चाहिए। तो भगवान सूर्य की उपासना की या नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य की उपासना की। सूर्य की उपासना की मतलब भगवान भी ये शिक्षा देते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में हूँ तो देवता को अपने से उत्कृष्ट समझूँ। उन्होंने अभी पुत्र को स्वास्थ्य प्रदान करने की भावना से, रोग का फरण होने पर उसका स्वास्थ्य अभी व्यक्त हो गया। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा स्वास्थ्य लाभ कर्तव्य नहीं है, रोग का निवारण कर्तव्य। क्योंकि विचित्र बात है, स्वास्थ्य अनागंतुक है, रोग आगंतुक है। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। भगवान शंकराचार्य के भाषिका में हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। चंदन सुगंधित क्यों, कोई प्रश्न करता है क्या भारद्वाज देवता? क्यों नहीं करता, स्वभाव। लेकिन चंदन दुर्गंधित क्यों, ऐसा प्रश्न हो जाता है। क्यों? आगंतुक मलिन द्रव्य के संसर्ग से सौरभ युक्त चंदन भी दुर्गंध युक्त प्रतीत होता है। घर्षण आदि के द्वारा जब आगंतुक दुर्गंध का निवारण कर दिया जाता है तो स्वतः सिद्ध सौगंध की अभिव्यक्ति होती है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने कितना उच्च सिद्धांत स्थापित किया, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों हैं, ऐसा कोई पूछता है क्या? आप रुग्ण क्यों हैं? अगर कोई पूछे आप स्वस्थ क्यों हैं तो समझना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, या समझना चाहिए कि इसको दर्शन का ज्ञान नहीं है। स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है, रोग आगंतुक है। ये मर क्यों गए, उनका ऐसा पूछते हैं। आप जीवित क्यों हैं, अनाड़ी व्यक्ति हुआ, आप जीवित क्यों हैं? ये नहीं, जीवन जो है स्वभाव सिद्ध है, मृत्यु आगंतुक है। स्वास्थ्य जो है स्वभाव सिद्ध है, इसलिए आगंतुक रोग का निवारण हो जाने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। स्वास्थ्य लाभ कर्तव्य नहीं है, रोग का अपनोदन कर्तव्य है। रोग का अपनोदन हो जाएगा तो स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाएगी। अब पाप के कारण रोग है, या वायु के प्रकोप से है, पित्त के प्रकोप से है, कफ के प्रकोप से है, वो सब अलग बात रोग के हेतु। इसलिए स्वास्थ्य में क्या हुआ, रोग, रोग के हेतु, रोग की निवृत्ति और निवृत्ति के उपाय, चारों का ज्ञान हो गया तो अब उत्तम चिकित्सक हो गए। क्या रोग क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। रोग का हेतु क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। रोग की निवृत्ति हो गई, इसका मापदंड क्या है, इसकी कसौटी क्या है, और रोग की निवृत्ति के उपाय क्या हैं। योग दर्शन की दृष्टि से हम विचार करें तो चार शब्द, हेय हेय हेतु हान और हानोपाय, बढ़िया, हेयम दुख मनागतम। ये जो चार चीज सध जाए ना जीवन में, कहीं व्यक्ति मुँह की नहीं खा सकता है। जितेंद्र जी भी सुन रहे हैं, प्रयोग में आना चाहिए। हेय क्या है, हे माने त्याज्य, जो हमको पसंद नहीं है उसी का नाम है हेय है। हेय क्या है, फिर हेय हेतु, जो हमको दुख प्राप्त है, दुख सबके लिए हेय है। हेयम दुख मनागतम, पहले मोटी दृष्टि से हम अर्थ करते हैं, दुख हमको पसंद नहीं है, सबके लिए हेय है। तो दुख की प्राप्ति
क्यों होती है, हेय का हेतु क्या है, कारण क्या है, इस पर विचार करें। ऐसे रोग क्या है, रोग की प्राप्ति का कारण क्या है, ये रोग हुआ क्यों, इस पर विचार करें। उत्तम चिकित्सक वही होगा ना। और हान, दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो गई, इसकी कसौटी क्या है, पहचान क्या है, किसी अंश में रिपु ऋण पावक, ये अन्नपूर्णोपनिषद में भी है और तुलसीदास जी ने भी लिखा, रिपु शत्रु थोड़ा भी बच जाए, समझिए कभी भी आघात कर सकता है, ऋण थोड़ा भी शेष रह जाए, अग्नि की चिंगारी थोड़ी भी शेष रह जाए, हाँ ऐसा रिपु ऋण आरुज बीमारी थोड़ी भी शेष रह जाए तो आगे वो भयंकर रूप धारण कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न क्या उठा, रोग की निवृत्ति सचमुच में हो गई, इसकी क्या कसौटी है। कोरोना के मरीज गए, डॉक्टरों ने चतुराई क्या की, बस थोड़े उपचार करके घर भेज दिया, आप स्वस्थ हो गए। रोग की पूरी निवृत्ति नहीं हुई तो स्वयं वो रोग होकर घर में आ गया, पचासों को रोगी बना दिया, आजकल होता है। तो क्या हुआ, रोग की निवृत्ति क्या है और निवृत्ति के उपाय क्या है। अब यहाँ एक बहुत ऊंची बात है, विशेषण क्या दिया योग दर्शन, हेयम दुख मनागतम, अनागत दुख का नाम हेय है, हे माने त्याज्य, दुख मात्र हेय है, दुख हमको पसंद नहीं है तो हेय है, त्याज्य है। अनागतम हेयम दुख मनागतम, अनागत विशेषण क्यों लगाया, बहुत ऊंची बात है। अनागत इसलिए, अब जो कर्म के फलस्वरूप हमको शरीर प्राप्त हो गया है उसमें तो शुभ अशुभ प्रारब्ध के फलस्वरूप दुख होगा, अब उस पर विवेक पूर्वक नियंत्रित नियंत्रण कर सकते हैं उपचार से। कौन सा ऐसा दुख है जिसको हम चाहें तो पूर्ण रूप से अपने पास फटकने से वंचित कर सकते हैं, अनागत दुख क्या होगा, पुनर्जन्म। हेयम दुख मनागतम, अनागत दुख माने जो दुख अभी प्राप्त नहीं है और भविष्य में संभावित है, अगर हम प्रयास करें तो उसको आने से सदा के लिए रोक सकते हैं। यही वितर्जिता सर्गो ये साम्य स्थित मन निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता, भगवद गीता का पांचवा अध्याय। यही वितर्जिता सर्ग, जीवन काल में ही उनके द्वारा पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली गई, जिनका मन सदोष और विषम शरीर और संसार से अनात्म प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया। श्रोताओं के लिए कठिनाई होगी, वाक्य विन्यास को देखकर वो पकड़ने में, धीरे धीरे सुनते सुनते क्या है, प्रज्ञा शक्ति उत्फुल्ल होती है। एक महात्मा थे हमारे, बहुत ही परिचित, दोनों में बहुत अच्छा भाव था, आयु की ओर से की दृष्टि से मैं बहुत छोटा था, हमको बहुत मानते थे, श्री राम सुखदास जी महाराज। तो गीता प्रेस की शैली में वो बोलते थे, ऐसी भाषा बोलो कि दाई माई भी समझ जाएं। ऐसी भाषा होनी चाहिए दाई माई भी समझ जाए। लेकिन अब श्रीमद् भागवत आदि का जो भाव है वो तो फिर जिस स्तर का विषय है उस ढंग से प्रतिपादन नहीं करेंगे तो स्तर नहीं होगा। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग उच्च कोटि के वैयाकरण व्याकरण के जानकार थे और वैद्य भी बहुत ऊँचे थे, चरक संहिता इत्यादि पढ़ाने की क्षमता थी, ज्योतिषी भी बहुत ऊँचे थे, कई भाषा के विद्वान, उनकी विद्या की जितनी सराहना की जाए, लेकिन उन्होंने अपनी शैली को इतना रखा कि हर कोई समझ जाए। तो काशी में एक चातुर्मास किया, शंकराचार्य चौमासा कर रहे, हमारे पूज्य गुरुदेव के अनुरोध पर किया था, दो तीन दिन पंडित आए उसके बाद कोई नहीं आए। क्यों नहीं आए, तो उन्होंने अपनी शैली को ऐसे ढाल दिया था
कि विद्वत भोग्य शैली नहीं रह गई थी। ध्यान गया आपका, विद्वान तो थे लेकिन शैली ऐसी ढल गई थी आम जनता में, हर व्यक्ति हर बात समझ ले। विद्वानों ने फिर 3 दिन के बाद आना छोड़ दिया। एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ग्वालियर में बोल रहे थे, हरि बाबा जी भी मंच पर थे, उन्होंने जनता के रुख को देखकर, जनता के स्तर को देखकर प्रवचन किया, बहुत अच्छा। हरि बाबा जी ने बाद में कहा, क्या आपको हो गया आज, मैं भी मंच पर था, इसका ध्यान नहीं आपको, आपने आज हमको भूखे प्यासे रखा। कांप गए अखंडानंद जी महाराज, क्या भूल हो गई बाबा, अरे मैं भी सोता था ना, कुछ ऐसी बात तो आपके मुंह से निकली नहीं कि हम भी प्रवंदित हो सके। तब स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने जीवन में शैली में परिवर्तन किया, कुछ ऐसी सामग्री भी देते थे कि हम लोग जब बोलते हैं बुरा मत मानो, एक तो अभ्यास है, दूसरी बात है हम केवल आपको ही श्रोता नहीं मानते, और सच्ची बात है सप्तर्षि इत्यादि भी श्रोता होते हैं, देवता भी श्रोता होते हैं, क्योंकि धन मान की प्राप्ति के लिए हम वक्तव्य नहीं देते, और शास्त्र सम्मत, दर्शन शास्त्र सम्मत, पौराणिक विधा से कथा कहते हैं, तो उसके श्रोता केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं होते। यहाँ हम एक ग्रंथ पढ़ाते थे जब यहाँ रहते थे, तेजपाल शर्मा कुछ गुरुदेव का एक ग्रंथ है संस्कृत में पहला, उसको हम पढ़ाते थे, वो ग्रंथ हाँ समन्वय साम्राज्य संरक्षणम, समन्वय साम्राज्य संरक्षणम ग्रंथ पढ़ाते थे। उन दिनों कुछ पैसे भी नहीं थे, जीरोक्स आदि की व्यवस्था भी नहीं थी, तो ग्रंथ बोलते थे वो तेजपाल शर्मा में अर्थ करता जाता था। मैंने देखा कुछ गेंदे के पौध लगे थे, कुछ तुलसी, एक मेढक दरदूर पढ़ाने के समय से 5 मिनट पहले आके बैठ जाता था। तेजपाल शर्मा जी का ध्यान गया हो उधर या नहीं, और जब तक मैं पढ़ाता था तब तक बैठा रहता था, उसके बाद चला जाता, उसके पास घड़ी नहीं, दूसरे दिन फिर वही। तो हमने सोच लिया, समझ लिया कि ऐसे ही काशी में जब पाठ चलता था, एक बार क्या हुआ, कुछ गुरुदेव ने संस्मरण बताया, उन पंडित जी का नाम भी बताया, उनके विद्यार्थियों में एक दिन झड़प हो गए, तो एक विद्यार्थी ने ऐसे दांत काट लिया, एक विद्यार्थी को सर्प का विष चढ़ गया, कोलाहल मच गया कि सर्प का विष कैसे चढ़ गया। गुरु जी के पास शिकायत गई कि ये देखिए, गुरु जी ने कहा इस सर्प का विष कैसे चढ़ गया तुम्हारे दांत काटने, मैं तो नागलोक से आता हूँ ना पढ़ने। अच्छा हाँ, तो बड़ी विचित्र बात है, नागलोक से पढ़ने आता हूँ। ऐसे ऐसे काशी में विद्वान हुए जब पढ़ाते थे तो नागलोक से भी सिद्ध लोग पाठ में सम्मिलित होते थे, बच्चे बच्चे झगड़ पड़े। एक दिन एक बच्चा ने एक बच्चे को दांत काट लिए, तो दांत का विष क्या उस सर्प का विष चढ़ गया। तब ये रहस्य आया कि नागलोक से भी व्यक्ति, तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तेक सचेता। विषय के उद्भाषक हैं करण, लेकिन करणों में इतनी उद्दीप्ति नहीं है कि उनको चेतन मान लिया जाए। प्राथमिक चेतन के रूप में करुणक ग्राम के अनुग्राहक जो एक एक देवता होते हैं उनको चेतन माना गया, लेकिन उनसे भी उत्कृष्ट चेतना जीव में है। जीव जहाँ पर है आसन से मत डोल रहे तो है पिए मिलेंगे, वो अधिदैव से ऊँचा है, क्योंकि अधिदैव का पद जीव को ही कर्मोपासना के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अमुक जीव ही इंद्र होकर, वरुण होकर, कुबेर होकर विद्यमान है। मैं एक संकेत और करना चाहता हूँ, ये भौतिकवादी सुने, वो भी सुने, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना को अगर नहीं आप मानेंगे तो नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही भारत और विश्व को बना सकेंगे। फिर से मैं बोलता हूँ, गंभीर वाक्य है,
विश्व में जहाँ कोई चमत्कृति है, चमत्कार है, दिव्यता है, वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना ज्ञान का एक कारण है। ज्ञान बहुत ऊंची चीज़ है, उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। कर्मोपासना आज इंद्र के पद पर, वरुण के पद पर, कुबेर के पद पर, अच्छा सूर्य के पद पर, चंद्रमा के पद पर, तारागणों के, ध्रुव तारा आदि के पद पर जो विद्यमान हैं, उनका आधिभौतिक रूप है ना ध्रुव तारा, आधिदैविक रूप से तो चेतन है। हमने संकेत किया ये सब कौन है जी, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप ही ब्रह्मांड में दिव्यता है। मर्त्यलोक में भी जहाँ कहीं दिव्यता आपको दिखाई पड़ती है, वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के द्वारा के फलस्वरूप। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना को छोड़ दें, निंदा करके या सेकुलर संविधान को क्रियान्वित करके, तो क्या होगा मालूम है, नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही भूमंडल होगा। इसीलिए वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना जिसको छू दे, उसी में दिव्यता का संचार हो जाए। विश्व में जहाँ कहीं दिव्यता है, वो सब वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के द्वारा। इसीलिए हमने कई बार कहा 99% अर्थ का स्रोत तो आधुनिक व्यक्तियों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? अर्थ ऊपर के लोकों में बढ़ता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता जाता है। ब्रह्मा जी के वैभव के सामने और कोई काल्पनिक बात तो नहीं है, स्वाभाविक है। आज तो मंगल ग्रह ये सब की चर्चा होने लगी है, तो मैंने कहा कि ये इतना अर्थ, अर्थ में वृद्धि हो गई, आयु में वृद्धि होती गई या नहीं, प्रज्ञा शक्ति में, प्राण शक्ति में, ये सब किसके कारण जी? हमारी आयु मनुष्य शरीर में कितनी है, और ब्रह्मा जी के पद पर पहुंच जाए तो 31,10,40,00,000 वर्ष की आयु हो जाए। उदाहरण ले लीजिए, एक तरंग माला है, फिर एक बुद्ध है जल के, बुद्ध की आयु कितनी है? बुद्ध कहीं अपने आप को तरंग मान ले तो मरने का भय उसे होगा, और तरंग अपने आप को जल मान ले, एक बुद्ध की आयु और जल भावापन बुद्ध की आयु में कितना अंतर हो गया? 31,10,40,00,000 वर्ष की आयु बुद्ध की हो गई ना। जल का जब नाश होगा तभी तो बुद्ध का नाश होगा, और जल के नाश का अर्थ क्या है? अंत में तेजो भावापन होना, वायु भावापन होना, माने ब्रह्म ही। लेकिन सामान्य रीति से एक बुद्ध अगर तरंग भावापन अपने को समझ ले और तरंग जल भावापन अपने आप को समझ ले, तो जल की आयु कितनी हो गई? 31,10,40,00,000 वर्ष। इसका मतलब इस समय जो ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हैं, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 31,10,40,00,000 वर्षों में आधी आयु उनकी चली गई। इस समय कोई बुद्ध कल्पना कीजिए अपने को जल समझ ले, तो उसका नाश कब होगा? जब महाप्रलय का अवसर आएगा तभी होगा, उससे पहले तो होगा नहीं। तो हमने यह संकेत किया, इसीलिए फिर से मैं कहता हूँ, अब प्रवचन को विराम देता हूँ। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना की निंदा मत कीजिए, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना को छोड़ करके, मन से छोड़ दीजिए, क्रियान्वित मत कीजिए, तब अपनी मेधा शक्ति के द्वारा, मन कल्पित विधा के द्वारा विकास को परिभाषित क्रियान्वित कीजिए, नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही बना सकते हैं। बुरा न मानो होली है, मैंने कहा था कल परसों, फिर मैंने विचार किया, मुझे लग रहा था माघ महीना है, अब होली आने वाली है, सोचा अभी तो आश्विन ही है, हमने कहा ना बस अब होली आने वाली है, होली आने वाली, हमने समझाई माघ महीना चल रहा है, तो कल फिर हंस रहा था एकांत में, अभी तो माघ के बहुत दिन हैं, तो क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सब असुर हो जाएंगे,
शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को आप मानना छोड़ दीजिए, निसर्ग सिद्ध स्वभाव सिद्ध अविद्या काम कर्म प्रसूत जो ज्ञान और कर्म है, अविद्या काम कर्म भावित जो ज्ञान और कर्म हैं, वहीं तक हम अपने जीवन को संयत रखें और तदनुकूल अनुमान का भी आलम्बन ले लें। इसका मतलब देहात्मवादी जितने होते हैं उनके जीवन में ज्ञान और कर्म तो होता है, आखिर प्राणी की परिभाषा क्या है? ज्ञान और कर्म संपदा से संपन्न जीव का नाम ही तो प्राणी है, चाहे स्थावर प्राणी हो चाहे जंगम प्राणी हो, अनुगत परिभाषा क्या होगी? ज्ञान और कर्म से संपन्न, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न, यही तो हुआ ना जीव, प्राणी का अर्थ है। अगर हम स्वभाव सिद्ध ज्ञान और कर्म को पाले रखेंगे, शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन नहीं लेंगे, असुर हो जाएंगे। इसलिए असुर का अर्थ हुआ, अब तो सृष्टि में असुर ही असुर होंगे। ये कोई गाली नहीं है, डराने की बात नहीं, वस्तु स्थिति है। असुर भाव से विमुक्त करने में तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म ही हेतु है। सबको असुर बनाएंगे तो नरक और नारकी प्राणी का समुदाय भूमंडल होगा ही। इसलिए दिव्यता का आधान, व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का आधान वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के द्वारा ही संभव है। अतुल वैभव धन की प्राप्ति भी वेदादि शास्त्र सम्मत क्या है, कर्मोपासना के द्वारा ही संभव है। विश्व में जहाँ कहीं दिव्यता है वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना के फलस्वरूप है। अतः इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र की उपयोगिता पूर्ववत चरितार्थ है। प्रश्न हो तो एक कर दो। नारायण सबका।